नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लोक शॉप मुकेश पंडित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है एलिफेंटा केव्स की पार्ट 5, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। और लास्ट 4 में मैंने आपको दिखाया था एलिफेंटा केव की सबसे टॉप पे जो तोप रखी है, वहाँ की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। और अब हम वापसी जा रहे हैं शिप की तरफ। और जब आप वापसी आते हैं तो लेफ्ट साइड में ही आपको ये व्यू आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम रील बनाने आते हैं और फोटोशूट करने आते हैं। तो ये समुद्र के लिए के ऊपर एक बीचों बीच ऐसे इस तरह से एक रास्ता बनाया, जहाँ पर आप समुद्र के चारों तरफ से आप वहाँ पर लहरों का एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो अभी शाम के 5:30 बजे हैं और अंकल जी भी आंटी जी के फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप सामने ये नज़ारा कितना ज़बरदस्त है। तो यहाँ घूमने के बाद हम वापसी जाएंगे, जिस शिप में हम आए थे उसी शिप में वापसी जाएंगे। और मैं आपको सामने का समुद्र में जो भी सनसेट का व्यू होगा वो सारा आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। एलिफेंटा केव से वापस जब आप आते हैं तो वापसी में आपको कोई फेयर नहीं देना होता है। जो आपने 260 रुपीज़ पे किए थे उसमें अप एंड डाउन दोनों का होता है। और अभी आप देख सकते हैं सनसेट बिल्कुल होने ही वाला है। तो जैसे जैसे सनसेट होता है वैसे ही आपको पानी के अंदर इसकी लाल परछाई दिखाई देगी, और ये नज़ारा सामने बहुत सुंदर लगेगा आपको। सामने की तरफ देख सकते हैं स्काई लाइन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ से, और जो होटल ताज का व्यू है वो भी सनसेट में ज़बरदस्त दिखाई देता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और ये वीडियो को एंजॉय करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये। अब आप देख सकते हैं जो परछाई आ रही है सूरज की वो भी ऑरेंज कलर की होने लगी है, और जो बिल्कुल पानी में देखिए बिल्कुल एकदम कितना सुंदर ज़बरदस्त व्यू है सामने का। स्काईलाइन, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और उनके ऊपर जो सूरज है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो गया है अभी, कुछ ऑरेंज और येलो। और पानी में भी देखिए इसकी परछाई कितनी ज़बरदस्त आ रही है इसकी किरणें। तो ये व्यू देखने के लिए लोग बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं और जाते हैं देखने के लिए। तो ये नज़ारा अपने आप में ज़बरदस्त व्यू है।
तो अभी तो आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको कभी ये मौका लगे तो आप जब ये व्यू देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो होटल ताज है और गेटवे ऑफ इंडिया वो भी सनसेट में किस तरह दिखाई देता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। ये सामने आप देख सकते हैं सनसेट का नज़ारा होटल ताज के पीछे का, और ये इस वीडियो का सबसे अमेजिंग पार्ट है जो कि इतना ज़बरदस्त देखने में सुंदर लग रहा है। तो अगर आप कभी जाते हैं तो ये पार्ट आप मिस ना करें, शाम के समय आप ज़रूर जाएं यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ से हमने अपनी यात्रा आरम्भ की थी एलिफेंटा केव के लिए। तो यहाँ पर अब उतरने के बाद अंकल जी और आंटी जी और मनदीप अपने जो घर जाएंगे, और मैं और कालीन जो कि फ्रेंड बना था नीदरलैंड से, हम दोनों यहाँ पे, यहाँ की एक फेमस बिरयानी सेंटर है जो कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के नाम से मुंबई में ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस एरिया में। तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं तो उनको बाय बोल के, लेकिन पहले आप ये सामने का नज़ारा देखिए, उसके बाद हम वहाँ आगे की वीडियो शुरू करेंगे कि हमें कहाँ पर जाना है उतरने के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ की बिरयानी खाने, और आप सामने की तरफ देख सकते हैं नज़ारा कितना ज़बरदस्त है। शाम के 8:30 बजे हैं अभी, और यहाँ पे देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है व्यू। सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये होटल्स, और ये सामने का नज़ारा है। एक बिल्डिंग ये बहुत ज़बरदस्त है जो कि ब्रिटिश ने बनवाई थी। ये सामने की तरफ देखिए कितने पिलर, हैवी हैवी पिलर लगे हुए हैं इसमें नीचे से ऊपर तक। तो ये नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये होटल ताज से थोड़ी दूर है, अगर वहाँ पे बाहर निकल कर किसी भी ऑटो वाले से पूछेंगे तो वो बता देंगे, लेकिन पैदल ही जाना तभी यहाँ पे इस एरिया में घूमने का मज़ा आएगा। और ये सामने की तरफ जो अभी ये वाले लाइन है, ये तो दिल्ली में जैसा सीपी है कनॉट प्लेस, ये उसी तरह का लग रहा है मुझे यहाँ पे इस एरिया में घूम के। ये जो एरिया अभी हम पैदल जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स बने हुए हैं, तो ये लाइन से ये वाला एरिया सीपी की तरह लग रहा था, कनॉट प्लेस की तरह। तो ये सामने हम आ चुके हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ बिरयानी सेंटर पर। अभी इसमें आज क्या है कि काम चल रहा है तो यहाँ पे हम अंदर बैठ के नहीं खा सकते, उन्होंने बोला सिर्फ टेक अवे है, आप अंदर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि इनका कुछ वाइट वॉश का काम चल रहा है। तो यहाँ से ले जाके हम बाहर कहीं बैठ के खा लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज मेरा मुंबई में, कल मेरा लास्ट होगा, और कल लास्ट डे पर मैं जाऊँगा फिल्म सिटी जो कि गोकुलधाम सोसाइटी है जहाँ पर तारक मेहता की शूटिंग होती है। तो प्लीज़ सारी वीडियोस को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुंबई की ये वीडियोस आपको कैसी लगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं, अभी हम चर्च गेट स्टेशन आ चुके हैं, तो ये वहाँ का नज़ारा रात में कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इस पर लाइट्स इस तरह की दिखती हैं रात में, ये घंटाघर है। तो ज़बरदस्त मेरा ये सफ़र रहा, और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ये यहाँ का लास्ट पार्ट आपको आज कैसा लगा। अभी बस फिल्म सिटी का और बचा है, उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ से नासिक। तो थैंक यू सो मच दोस्तों सपोर्ट करने के लिए।